सो गाइज यार वेलकम कार फॉर सेल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। माइनक्राफ्ट की वीडियो अभी प्रोग्रेस में है तो जल्दी ही आ जाएगी, तो माइनक्राफ्ट की तो नहीं आ पाई। अरे ये बता देना, जनरल ने तुझे ठोक दिया उस वीडियो में। अरे अभी सीक्रेट मत बता भाई, माइनक्राफ्ट में रहने दे। तो गाइज आज अपने साथ शिवा भी आ चुका है और फिलहाल अपन लोग जा रहे हैं ड्रैग रेस मारने। और फिलहाल को कार मार्केट में आ चुके थे, तो शिवा यहाँ से कोई ढंग की गाड़ी खरीद ले क्या? हाँ निशान जीटीआर आई हुई है, खरीद लेना। अरे क्या जोक मारता, निशान जीटीआर इतनी आसानी से मिल जाए तो क्या बात है। बाकी यहाँ पे कुछ बिस्कुट वगैरह आए हुए हैं और ये तो सारे बिस्कुट लग अरे गया ये भाई। ले ये ले ये वाली गाड़ी ले, ODR8 अरे भाई। नहीं ODR8 नहीं, ये एक साइड में खड़ी थी ना डब्बा, ये ले। अरे भाई ये ले, पता ये नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं फरारी चेक करूँ एक बार, क्या बोलता है? अरे फरारी नहीं भाई, 5 लाख 348 एक सेकंड भाई, अपने पास थोड़ा पैसा पड़ा है तो क्यों ना लैम्बो पे हाथ आजमा लिया जाए भाई। अरे लैम्बो 7 लाख की आती है नुबड़े, तेरे को बतानी है। अरे इसको किडनैप कर लूंगा कैसे, 7 लाख फ्री में दे जाएगा मुझे ये चार। इसको अब एक और लैम्बो नहीं है क्या? मेरे ख्याल से ODR8 ले ले भाई, ये चेक करें क्या। ओ ये तो औकात से बाहर है भाई बिल्कुल ही, 6.5-6.75 लाख रुपए की, 6-13 की। तो अपन लोग एक काम करते हैं गाइस, लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं और इसको 4.75 लाख तक के लेने की ट्राई करेंगे। मिल गई तो ठीक है, मिले 4-15 मिले नुबड़े, 4.20 में ट्राई करते हैं भाई। तो अरे चार चल भाई पंद्रह में मिल बुढ़े जाएगी। एक सेकंड, 4.20 में ट्राई करते हैं भाई। अबे दे दे जल्दी से। और अच्छा तो चलो गाइस जैसे तैसे 4.20 में अपने को लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है। और आज की इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा, आज सुपर कार का कलेक्शन करने वाले हैं। कम से कम 4 से 5 सुपर कार अपन लोग लेके रहेंगे। और अबे रहने दे, औकात से बाहर है तेरे। अरे तुम्हारा भाई ड्रैग रेस में भाई फॉर्मूला वन रेसर को बेरा देता है। कौन फॉर्मूला वन? ये भाई बड़ी रेस होती है, तुझे पता नहीं, अभी तू बच्चा है ना इसलिए। अरे तो जा रे, तो भाई ये लैम्बोर्गिनी हारेगा भाई ड्रैग रेस में, मेरे को ऐसा लग रहा है तू। बाकी गाइज अपन लोग थोड़ी बहुत रिपेयर वगैरह का काम शुरू करवा देते हैं और पोर्शे भी लेके चलते हैं। नहीं एक सेकंड, पोर्शे भेज देते हैं अपन लोग, थोड़ी लैम्बो चला के ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ड्रैग रेस इससे करेंगे। और कार में बैट वर्सेस बैट, मतलब कार इज बैट, समझ रहा ना तू शिवा मैं क्या कहना चाहता हूँ? कार इज बैट नहीं, बैट इज कार, बैट इज कार लगा लो और वो कार सीधे 4-5 लाख रुपए में आराम से बेच डालेंगे, पैसा ही पैसा होगा, इसलिए तो सारा कार का कलेक्शन होगा भाई, वरना तो बहुत टाइम लगता है यार 4-5 सुपर कार लेने में। हाँ ये बात सही की, लेकिन इसमें इतना ही बड़ा रिस्क है भाई, अगर गाड़ी चली गई तो एक पोर्शे अपने घर पे खड़ी और $55,000 अपने पास बचे हैं, बिल्कुल निहायती गरीब हो जाएंगे। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे तो मुझे पोर्शा नजर आ रही है। अरे तो दूसरी पोर्शा लेके भाई, से इसको रहा बूढ़े, दिमाग लगा थोड़ा। अरे तभी तो मैं जा रहा हूँ पोर्शे लाके। बाकी यार वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देने का। बाकी कमेंट्स में अभी बता दो कि मैं पोर्श या फिर लैम्बोर्गिनी में से क्या कोई रेस हार पाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई हरा मुझे सकता लग है। रहा है तुम एक रेस तो जरूर हारेगा, या पोर्श या लैम्बो से। तो गाइज आप लोग कमेंट में गेस करना मैं कितनी रेस हारने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को राधे इतने अबे सारी हारेगा तू, सारी हारेगा मेरे को तो लग रहा है। तो गाइज देखते हैं, और ये रेस जीत गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो करो यार, काफी दिन हो गए व्यू भी नहीं आ रहे थे, माइनक्राफ्ट की वीडियो भी तैयार नहीं थी, तो मैंने सोचा शिवा को ही लेके आ जाऊँ कार फॉर सेल में, तभी लेके आया शिवा, समझ रहा भाई? समझ रहा हूँ क्योंकि गाइज ये ड्रैग रेस मार जाता है और जब भी ड्रैग रेस करनी होती है मुझे दे देता है गेम और मैं इसको जितवा देता हूँ। अरे गाइज ये निहायत ही झूठ बोल रहा है, मैं खुद ड्रैग रेस का बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ यार, इसकी बातों पे थोड़ा ध्यान कम ही देना। और दोनों पोर्शे घर पे लेके जाने वाला हूँ। अरे नहीं एक से रेस करेगा इतने दूसरी गाय मिलेगी, बैट इज कार भाई साहब, इसके बहुत मतलब क्या कहें, बहुत बुरे परिणाम इन आदमियों को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को तो कोई हरा ही नहीं सकता, ऊपर से नाइट्रो, ऊपर से अपने को गुड और बेस्ट शिफ्ट करनी आती है, तो कौन ही हरा देगा अपने को। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और पहले ये इस वाली कलर के पोर्शे लेंगे क्योंकि अपने को ये कलर पसंद आ गया, और जो चीज़ पसंद आ जाती है वो लेने में अलग ही मज़ा आता भाई। और चलो भाई साहब अगर ये हार गए तो अपनी पोर्शा चली जाएगी, तो फुल ध्यान से अपने को स्टार्ट इंजन कर लेते हैं और चल भाई स्टार्टिंग लाइन से शुरू कर देंगे। तो चलो मित्रगणों अपनी प्रथम रेस शुरू करते हैं और प्रथम दौड़ शुरू करते हैं। और चलो भाई पूरी रेस दे देते हैं, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, अबे चल 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 जल्दी चल भाई, गुड शिफ्ट हो गया, यस मुझे पता ही था मैं जीत जाऊंगा आराम से। अरे जल्दी, अरे कोई हराती इतना जमाने में दम नहीं है भाई हमें,
पोर्शे से पोर्शे जीत ली, सीधा 3 लाख का चौका मार दिया, समझ रहे हो, 3 लाख जेब में कमा के, वो भी 10 सेकंड के अंदर। लेकिन आप सोच रहे हो बहुत आसान है, लेकिन नहीं भाई, 10 सेकंड में अपने 3 लाख जा भी सकते थे, समझ रहे हो ना, कुछ इसी टाइप से। अरे तो पोर्शे खड़ी तो है रे। तो चलो 1 सेकंड ये पोर्शे लेके पहले अपन घर पे चलते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो गाइस वो वाला काम अपन लोगों ने निपटा दिया था, एक और बार ड्रैग रेस में आ चुके थे। अरे मास डायरेक्शन भाई मत कर मेरी माने तो। अरे भाई इसको तो मैं बैट में कार वर्सेस कार में हरा के रहूंगा। अरे कार होगी नहीं बे। अरे क्यों नहीं होगी, यस। अरे हारेगा भाई, बहुत तेज कार है। अरे जीत के रहेंगे गाइस सब, मतलब गाड़ी बराबर नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने रिस्क लिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तो कुछ तो इसका बनता ना भाई, लाइक जरूर करना वीडियो को। अरे हारेगा नुबड़े, बहुत फास्ट कार है, इसे सिर्फ निशान जीटीआर हरा सकती है। अरे इससे तुम्हारा भाई हराएगा ना भाई, पूरे 4 लाख का रिस्क ले लिया भाई, 4 की तो लेते भाई, कम से कम 6-7 लाख की जाती तो इतने का रिस्क सिर्फ तुम्हारे लिए। अबे बस भाई पूरे रेस दे देता हूँ भाई, जल्दी चल जल्दी चल 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 अबे चल। अरे ये क्या कष्ट शिफ्ट होने के बावजूद, अरे जल्दी 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 लेट शिफ्ट। अरे भाई बेस्ट शिफ्ट होने के बाद भी, अरे मैंने कहा था भाई उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसकी देख 202 पहुंची और तेरी 130 नल्ले भाई। मतलब मैंने सोचा यार मास्डा की घेटी उड़ा दूंगा, उसके भाई साहब पर खच्चे उड़ा दूंगा, लेकिन ये तो अपने पर खच्चे उड़ गए, इतना महंगा नुकसान हो गया, ऐसे कैसे 5 कार लेंगे भाई, क्या ही बोले यार, मतलब दिमाग झंड हो चुका है। चलो कुछ और करते हैं फिर तो यार। तो भाई बाकी मुझे सबसे अच्छी कार पोर्शा चलानी आती है, तो फिर से एक पोर्शा को लपेटने आ गया तुम्हारे भाई के पास। ये देखो भाई लैम्बोर्गिनी थी वो चली गई, सिर्फ एक पोर्शा बाकी, एक और पोर्शा भी मार चुका हूँ और ये पोर्शा हार गया ना भाई, तो वीडियो यहीं पे समाप्त कर दूंगा, फिर 5 कार लेना नामुमकिन हो जाएगा इस वाली वीडियो के लिए। तो भाई आई होप भाई ये कार अपन लोग जीत जाएं, ये शिवा आ गया भाई साहब, इसने सारी रेस करवा दी अपने को यार। और मास्टा वाली तो क्या बोलते हो यार, अपन लोगों ने गलती करी मास्टा से रेस करके, तो है ना शिवा? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी औकात से बाहर है। तो फिलहाल को सब बातें छोड़ते भाई और अपनी इस रेस पे कंसंट्रेट करते हैं। अबे जल्दी चल जल्दी चल भाई, नाइट्रो दबा देते हैं और भाई, और वो बिस्कुट भाई बहुत आराम से चल रहा है भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, अपन लोग आसानी से जीत गए हैं और एक और पोर्शे तो कम से कम जीत लिया, थोड़ा बहुत तो रिकवर अपन लोगों ने कर ही लिया है और बाकी भी अपन लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वादा की है 5 सुपर कार लेके रहेंगे तो लेके ही रहेंगे। तो भाई फिलहाल को एक और DTT है, इससे तो अपन लोग क्या ही करेंगे, तो 2 पोर्शे हो चुकी है, इनमें से एक को बेच देंगे और कुछ और सुपर कार फिर मार्केट से भी लेके आ सकते हैं और जो यहाँ पर मिलेगी उसको भी हरा देंगे। तो लैम्बोर्गिनी तो अपने को सुपर कार कलेक्शन में कम से कम चाहिए, या फिर कोई फरारी ऑडी R8 और हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ जाएगा। तो फिलहाल को चलते हैं यहाँ से यार सीधा। तो चलो, तो भाई कार मार्केट ओपन था, थोड़े बहुत पैसे अपने पास थे तो लालच आगे आ जाता भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अबे लालच तुझे मार देगा। अरे कोई दिक्कत की बात भाई, हारेगा। अबे इसमें क्या हारूंगा, ये तो पैसे दे के गाड़ी खरीद रहा हूँ भाई। और 1 सेकंड 3-14 भाई नहीं, ये कुछ ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। एक काम कर तू भाई, मुझे 270,000 रुपए में ये गाड़ी दे दे। अरे 60 में भी दे देगा भाई, 260,000 में। अरे मैं खुश हूँ आज। अरे वाह भाई, अभी देखना फरारी से फरारी रहा दूंगा भाई, फरारी से फरारी रहा के इतने भाई साहब मौज काट देने वाला हूँ मैं, और अभी सुपर कार लेके आ जाऊंगा। अरे अगर ये वाली रेस में हार गया बैंक वाले लोन नहीं देंगे भाई साहब, भीख मांगनी पड़ेगी तुझे, पता है क्या? अरे भाई वो बैंक वाले शक्ल देख के लोन देते हैं और तेरी शक्ल तो पूछो ही मत गाइस, कोई लोन नहीं देने वाला इसको बैंक वैंक भी। इस रेस में हार के तो शक्ल भाई बिल्कुल करेला ही हो जाने वाली है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है भाई, फोन भी जवाब देने वाला है, तो क्या ही करें, कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा। अगर ये वाली रेस हार गए तो भाई ये जीवा मिट जाएगा भाई, आज जीवा मिट जाएगा, फिर जीवा मिटा हुआ ही है गाइस, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। नहीं भाई आज तो रिस्क ले लेते हैं भाई, फरारी तो अपन लोग जीत के ही रहेंगे, अगर समझो फरारी हार गई ना तो भाई मोटा नुकसान हो जाएगा जिससे उबरना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखी जाएगी, इसको नाइट्रो वगैरह लगवा देते हैं पहले, थोड़ी बहुत इसको रिपेयर वगैरह करवा देंगे और फिर ड्रैग रेस वाली जगह पे ले जाके इतनी ड्रैग रेस जीतेंगे किसी ने सोची ना होगी भाई। और फिलहाल को क्या भाई $620 जल्दी से इसको रिपेयर कर दे भाई। तो चलो गाइस फाइनली अपन लोग आ चुके थे फरारी गाड़ी लेकर, इसको रिपेयर वगैरह करवा लिया, नाइट्रो वगैरह लगवा दिया। और ये कौन सी गाड़ी है भाई, फरारी लरारी, ये लरारी लगता नया मॉडल आ गया है।
और गाइस इससे रेस करूँगा मैं, इससे रेस करके भाई या तो अपनी फरारी दे दूंगा या फिर इसकी फरारी ले लूँगा। और अरे ये तो मान ही नहीं रहा भाई, भाई इसके पर खच्चे उठ गए मेरे सामने इतने बड़े ड्राइवर को देख के। भाई इसकी औकात नहीं है, ये अपनी फरारी से रेस नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। तो अपन लोग क्या ही करें यार इस गरीब से, अब क्या ही बोले, अब ये अपने साथ रेस करने की औकात ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। मैं तो चाहता था इसकी गाड़ी ले लूं भाई, लेकिन ये मान ही नहीं रहा भाई, इतनी ज़्यादा ट्राई कर ली लेकिन नहीं, सिर्फ पैसे में, वो भी 25,000 से ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसका क्या ही करें मैं, लगता है इसको किडनैप करना पड़ेगा, फिर इसकी गाड़ी चुरानी पड़ेगी। इसके बाद कुछ आइडिया बता यार। अबे नल्ले रेस में रेस को, अबे ये मान ही नहीं रहा है। अबे तू 26,000 बहुत होते हैं, मैं 26,000 के लिए रेस नहीं करता। अब इस बुढ़िया से पूछता हूँ, अब ले तो 1100 के लिए कर। ये इसकी माँ लगती है मुझे, क्या लगता है तुझे? मेरे को कुछ नहीं पता, तू चुपचाप इसको हरा कर दम है तो। तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद फरारी वर्सेस फरारी सेम गाड़ी अपने को मिल चुकी है। और क्या बोलता भाई, रिस्क ले लूँ क्या? अरे मत ले रिस्क, उड़ जाएगा भाई। अरे 3 लाख रुपए पड़े हैं, अब भी डरेंगे तो भाई डरेंगे। अरे डर जा तो भाई, मत कर अभी भी रेस, कह रहा हूँ। भाई मैंने तो कर दी भाई रेस स्टार्ट, अभी हारेगा ना उबड़े। तो गाइस ये वाली रेस बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। कुछ 1-2 सौ प्रकार का जुगाड़ अपने पास हो चुका है, ये जीतते ही 1-2 का और हो जाएगा, फिर अपने को एक आधी गाड़ी और लेनी पड़ेगी। लेकिन ये हार गए तो समझो अपन लोग फिर से 0 पे आके पड़ जाएंगे, तो वैसा तो मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। ये वाली रेस तो अपने को हर हाल में जीतनी पड़ेगी। और चल भाई जल्दी से पहले रेस तो बाकी रख लेते हैं। और चल भाई नाइट, अरे गेयर कुर्सी पर उसका चलो प्रागनी का छोड़ भाई, वो जल्दी कभी भी आ सकता है भाई ऐसा मेरे साथ। जल्दी 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 नाइट कर दो भाई। अबे चलो भाई, जैसे तैसे अपन लोग पॉइंट 1 सेकंड से जीता। इस रेस के लिए क्या बोलना चाहोगे भाई, मतलब जैसे तैसे जीत गए, बात खत्म। तो गाइस अभी सीधा आपको अपने ऑफिस लेके चलता हूँ, ऑफिस से पहले एक गाड़ी तो उठा दें यहाँ से। और ये वाली गाड़ी का कलर देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ आपको वाइट वाली पसंद है या फिर ये क्रीम कलर वाली। तो मेरे को तो दोनों पसंद है, दोनों मेहनत से जीती हुई है अपने लोगों ने। तो फिलहाल को एक को अपन लोग ऑफिस पहुंचा देते हैं और एक के अंदर अपन लोग खुद जाने वाले हैं। तो चलो भाई इसको भी ट्राई ले लेते हैं आखिर कैसी गाड़ी है ये। तो चलो चलते हैं सीधा अपने ऑफिस। तो भाई लोग अपन ऑफिस में आ गए थे और काफ़ी बड़ी वीडियो गई थी, तो इसलिए मैंने मतलब ऑफलाइन ही खेल के इतनी सारी गाड़ियां कर दिया। जब अपन लोग ड्रैग रेस कर रहे थे तो 58 दिन थे मेरे ख्याल से, और अब 70 दिन 12 दिन अपन लोगों ने इतना ग्राइंड किया है, तभी जाके 2-2 लैम्बर्गिनी, 2-2 फरारी और एक आधी पोर्शे, और 1-2 रेस अपन लोग बीच में हार भी गए थे। तो वो मैंने सोचा अब क्या ही दिखाएं, तो अपन लोग लेके आ चुके थे। और थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह भी घर का कर दिया था, और फुली डेकोरेशन करने के लिए, फुली अरेंजमेंट देखने के लिए जादू देखो भाई साहब, 3-2-1 ये देखो भाई साहब, तुम्हारे भाई ने 5 सुपर कार लेने का वादा किया था, 5 सुपर कार तुम्हारे सामने खड़ी है। अच्छा सा ऑफिस डेकोरेट कर दिया, एकदम मज़ा वाली बात कर दी। बस आप लोग बताओ अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना, और माइनक्राफ्ट की वीडियो इससे नेक्स्ट वाली ही होगी तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आते ही आपको पता चल जाए जर्नल ने हमारे साथ क्या क्या होगा। सो थैंक यू गाइज़।